हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उबले हुए पालक की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। जो पालक की सब्जी होती है, हरे पालक की सब्जी, वो खाने में भी स्वादिष्ट होती है और दूसरी बात है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बिल्कुल हरी सब्जियों में गिनी जाती है, तो जितना हो सके आपको पालक की सब्जी खानी चाहिए। खैर, इसकी अब रेसिपी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो रेसिपी के लिए आप जो सामने देख रहे हैं, ये उबला हुआ पालक है। और ये उबला हुआ पालक कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जिस प्रकार से कोई भी सब्जी काटते हो, उस प्रकार से टुकड़ों के रूप में काटना है और किसी भी बर्तन में पानी लेके उसमें उबालना है। जैसे नॉर्मल कुछ भी आप उबालते हो, जैसे अंडे उबालते हो, कोई अन्य चीज़ें उबालते हो, तो वैसे उबाल देना है। और जैसे ही उबल जाए उनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं उबले हुए पालक है और ये हमने इसको एक बर्तन में रख लिया है। अभी भी देखो इसमें गर्म है क्योंकि भाप निकल रही है। अब सामग्री कौन कौन सी हम यूज़ में ले रहे हैं पालक के अंदर, वो देखिए। यहाँ पे मैंने 2 मिर्च काट ली हैं, 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पालक है कमी। इसमें ऐसा तो है नहीं कि 2-4 किलो में रेसिपी बना रहा हूँ, लगभग 200 ग्राम है पालक है, उसी को बना रहा हूँ, तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात करते हैं मसालों के, मसाले कौन कौन से यूज़ में ले रहे हैं। लगभग 1.5 चम्मच है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच है यहाँ पे मिर्ची पाउडर लिया है, आधा से थोड़ा कम चम्मच मैंने धनिया हल्दी पाउडर लिया है, और ये लिया है नमक स्वाद अनुसार। तो ये हमारा मसाला हो गया एक प्रकार से। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसकी विधि क्या है वो देखिए। तो चलते हैं विधि की तरफ, प्रोसेस की तरफ, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अब साथियों, हमने कढ़ाई लिया है, अब इसमें तेल डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। ये तेल डाल देता हूँ मैं इसमें, लगभग 3 चम्मच है तेल मैंने डाल दिया है, और ये सरसों का तेल है वो इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और वेट करेंगे। अब जीरा डाल देंगे इसमें और जीरे के पकने का वेट करेंगे। तो साथियों, हमारा जीरा पक गया है, अब इसमें मसाला डालेंगे। तो साथियों, मैंने मसाले का पेस्ट बनाया किस प्रकार, देखिए। ये इस प्रकार से सारा मसाला उसको एक से इकट्ठा कर लिया है। उसमें लहसुन भी मैं मिला रहा हूँ, 8 से 10 कलियाँ पीस के, और उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, एक पेस्ट सा तैयार कर लिया है। पेस्ट इसमें डाल देंगे, ये पकने में आसानी रहती है, इसलिए मैं इसको पेस्ट बनाता हूँ। ये मसाला हम इसमें डाल रहे हैं, ये मसाला इसमें डाल दिया है, पेस्ट किया हुआ मसाला। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे बढ़िया तरीके से। तो साथियों, ये मसाला पक रहा है, अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काटी थी, वो इसमें डाल देंगे। तो कढ़ाई में बना रहे हैं तो भाप भी ज़्यादा निकलेगी इसमें चारों तरफ से, इसलिए थोड़ी साफ दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। इसलिए टमाटर और जो हरी मिर्च थी वो हमने ऑलरेडी इस मसाले में डाल दिया है। अब इसको एक बढ़िया तरीके से पका लेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, 5 से 7 मिनट तक इसको पकने का वेट करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे। साथियों, इस मसाले में थोड़ी सी छाछ डाल देता हूँ मैं, छाछ है या फिर दही आप इसमें डाल सकते हो, और इससे थोड़ा खट्टापन आ जाता है और रेसिपी एक बेहतरीन तैयार होती है और स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक होगी। तो मसाला हमारा पक रहा है, तो अब हमारा मसाला पक गया है, तो इसमें जो हमने पालक उबाला था उसको इस प्रकार इसमें डाल देंगे और इसमें मिला लेंगे। तो अब लगभग 8 से 10 मिनट तक इसको पका लेंगे। अब मसाला भी पक जाएगा और ये जो हमारी पालक है उसमें भी मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 8 से 10 मिनट तक, उसके बाद ही हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। तो इसमें आप जो भी अन्य चीज़ें मिलाना चाहो, जैसे आपको गरम मसाला मिलाना है या फिर जो प्याज है वो मिलाना है, वो मिला सकते हो। बाकी मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं आपको बता दी है, और इसमें छाछ का यूज़ किया है। छाछ काफ़ी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, इसलिए मैं छाछ का यूज़ यहाँ पे किया गया। तो थोड़ा वेट करते हैं अभी इस रेसिपी, और हर प्रकार की वीडियो रेसिपी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबाएं, ताकि रोज़ आपको हर प्रकार की वीडियो मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको किस प्रकार की रेसिपी चाहिए। तो ये हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, हमने इसको गैस चूल्हे से नीचे उतार लिया है, अब ये खाने लायक हो गई है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।